गौतम बुद्ध की जय। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उच्चारेण मानव जन्मे आनन्दानुपाते कालानुजुरात पुण्याते माप शुक्लेटा करजात। ये जादू जादू टोना और कुछ। हाँ, जिनकी तबीयत खराब है वो लोग, जिनका स्वास्थ्य बराबर है नहीं, आप यहाँ पे आके। दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। दोस्तों कैसी हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी सारे लोगों को पसंद आएंगी और काफ़ी सारे लोगों को शायद से ना पसंद आए, पर जो भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आज मैं आप सभी को ऐसी प्लेस पे लेके आया हूँ जहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ साथ हिंदू धर्म का जो परंपरा होता है उसको आज भी कायम रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को नागपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक वित्तू वाले बाबा का मंदिर है, जिसे मैं बुद्धवार तो नहीं कह सकता हूँ, मंदिर ही कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आज भी नारियल हरद कुकू ऐसी बहुत सारी ऐसी परंपरा है जो कि निभाई जाती है। दोस्तों इसके आगे भी मुझे बहुत कुछ कहना है, बट सबसे पहले मैं आप सभी को ये जितना प्लेस है वो दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और इस साइड में देख सकते हो लोग विभूति लगा रहे हैं, वो उस साइड में देखिए, मैं आपको नज़दीक से भी लेके जाऊँगा, तो उस साइड में विभूति लगाते हैं और साथ ही साथ नारियल फूलते हैं, ऐसा बहुत कुछ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ का जितना भी ब्लॉग है वो दिखा देता हूँ, बात हम बाद में करेंगे और वीडियो पूरी देखने के बाद ही मुझे कमेंट करके आपकी राय मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों जैसे कि मैं अभी अंदर आ चुका हूँ और इस साइड पर आप देख सकते हो पूजा अर्पण स्थल लिखा है, ये देखिए, और इस साइड से आप देख सकते हो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको जो पालने में है डाला जाता है, तो यहाँ पे देखिए, और उस साइड से जो कि है नारियल फोड़े जाते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और अगरबत्ती मोमबत्ती कैसी लगाते वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए तो जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगरबत्ती मोमबत्ती जो कापूर होता है उसे जलाया जाता है और भी बहुत कुछ किया जाता है, विभूति होती है विभूति डाल दी जाती है और क्या क्या है पता नहीं। और इस साइड से देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कि है नारियल फोड़ा जाता है, आप उस साइड से देखिए काफ़ी सारे लोग नारियल भी फोड़ रहे हैं यहाँ पे, साइड है ना। दोस्तों अभी मैं हूँ टाकर घाट के परिसर में और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे यानी शॉप्स लगे हैं जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गौतम बुद्ध और इत्वाले बाबा इनकी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई है और इस साइड में भी अच्छा खासा यानी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है मेला पूरा यानी भरा होता है और यहाँ पर देख सकते हो इतना बड़ा जो है वो पिपल का पेड़ है और ये जो है यहाँ से आप देख रहे हो इत्वाले बाबा का मंदिर है। जो चलते हैं वहाँ पे भी चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का पूरा प्लेस दिखा देता हूँ और आप चाहे तो यहाँ से जो पूजा अर्चना आपको करना है तब तो यहाँ से हार फूल जो भी कुछ है वो ले सकते हो। यहाँ पे लाइन श्री जो की है हार फूल की दुकान यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों क्राउड को थोड़ा इग्नोर करना और यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों ये है मेन गेट और ऊपर देख सकते हो आप अशोक सम्राट का जो चक्र है वो लगाया गया है और यहाँ से अभी हमें इत्वाले बाबा की मंदिर पे इंटर होना है। तो चलिए हम अंदर इंटर होते हैं और यहाँ पे देख सकते हो पूजा की जो है दुकानें उकानें लगाई गई है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे चप्पल निकाला जाता है और इस साइड से रोड बंद है, यहाँ से चप्पल उतार के हमें अंदर की ओर जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं अंदर और अंदर से जो भी है मैं आपको पूरा प्लेस दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से अभी मैं आ चुका हूँ अंदर और यहाँ पे शांति भरा वातावरण है और यहाँ से आप देख सकते हो यह है इत्तू वाले बाबा
ये बिहार है और ये इतवाले बाबा का मंदिर है जो आप देख रहे हो कैमरे में। और ये जो पूरा प्लेस है यहाँ से हमें अंदर की ओर एंटर होना है। और दोस्तों मैं एक बार अंदर से आ चुका हूँ, अभी सेकेंड बार मैं आप सभी को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ इतवाले बाबा के मंदिर में और आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो ये इतवाले बाबा का मंदिर है। और इस साइड से आप देखिए यहाँ पे है बुद्ध विहार, तो ये पीपल का वृक्ष और इस साइड से भी है। और यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं, भी काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ तकलीफ होती है करके यहाँ पे मन्नत मांगने आते हैं। तो यहाँ से मैं आपको पूरे दर्शन करा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। और इस साइड से देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इतवाले बाबा का मंदिर है जो कि अभी लाइट बन चालू हो रही है। यहाँ पे हार फूल माला हर कुछ यानी चढ़ाया जाता है। दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे अपनी समस्या लेके आते हैं, पर जो भी डिस्कस है हम आखिरी में एक बार करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध और उन्हीं के ही साथ में जो इतवाले बाबा है उनकी यानी फ़ोटो लगाई गई है साथ से। ये देख सकते हो इतवाले बाबा की फ़ोटो है और साइड में बुद्ध भी गौतम बुद्ध। और जो है यहाँ पे जो जल है पीने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सारा यानी यहाँ पे दान धर्म दिया जाता है। सो काफ़ी अट्रैक्टिव यानी ये प्लेस बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तथागत भगवान गौतम बुद्ध और इतवाले बाबा का जो है तस्वीर है। चलिए और भी कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे को बात करना नहीं आ रहा था, मेरी जीभ काटी थी लोगों ने। काटी थी? पता नहीं, नाम नहीं पता। नाम नहीं पता पर ये पता है कि जुबान काटी थी। काटी थी, यहाँ पे खुली मेरी जुबान। फिर उसके बाद यानी कैसा फील हो रहा था, यानी बात करना नहीं हो रहा था? अभी करी ना मैंने बात। मैं अभी सुबह आई यहाँ पे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को जरूरत है वो यहीं पे आए। किस चीज की? ये जादू। जादू टोना और कुछ? हाँ, जिनकी तबीयत खराब है वो लोग, जिनका स्वास्थ्य बराबर है नहीं, आप यहाँ पे आके। सो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ सवालात कर रहा था, इतने में थोड़ा कुछ अलग ही फील हुआ है तो वीडियो के यहाँ पे हम पॉज करते हैं। दोस्तों जैसे कि आज मैं आऊँ नागपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे टाकर घाट में, और टाकर घाट पे ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं शायद से जो नहीं करनी चाहिए, पर ये राय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा है, क्योंकि यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो विचारधारा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विचारों की यहाँ पे हत्या हो रही है। दोस्तों यहाँ पे इतवाले बाबा का मंदिर भी है, उसे हम बुद्ध विहार नहीं कह सकते, मंदिर ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नारियल फूल अगरबत्ती विभूति और काफ़ी सारे लोग के आंग में भगवान आते हैं और भूत प्रेत आते हैं, ऐसा बहुत कुछ देखने को मिला जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। ऐसा बहुत कुछ यानी देखने को मिला। तो आप मुझे आपकी राय जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे इतना तो ज़रूर पता है कि काफ़ी सारे लोगों को आज की मेरी जो वीडियो है पसंद आएंगी और किसी को नहीं पसंद आएंगी, पर क्या करूँ दोस्तों, ऐसी जो स्थिति है, ऐसी जो परिस्थिति है, ये इससे आपको रूबरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो 22 प्रतिज्ञा दी है उस प्रतिज्ञा में साफ तौर पर कहा गया है
कि मैं हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, अन्यथा उनकी पूजा अर्चना नहीं करूंगा, ठीक है। और ऐसे ही कर्म कांड से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें निकाल के हमें इतना प्यारा और इतना खूबसूरत बुद्ध धर्म दिया। और बुद्ध धर्म में भी यही चीज़ बताया गया है, तथागत भगवान बुद्ध का धम्म जो 152 देश में मानते हैं, उसी के साथ यहाँ पे तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बाजू में जो वित्तु वाले बाबा है उनकी फ़ोटो लगाई गई, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध और जो वित्तु वाले बाबा है दोनों की साथ में पूजा अर्चना की जा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी मेरे मन में खटकती है कि भगवान गौतम बुद्ध और जो वित्तु वाले बाबा है इनकी बराबरी में फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ये बहुत ही बड़े महामानव है जिनका धम्म 152 देशों में है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिन्होंने हमें ये जो कर्म कांड इस चीज़ से दूर निकाला है। दोस्तों अभी कुछ ही दिन बाद जो महाड़ का सत्याग्रह हुआ उसी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि हमें इस स्थिति से बाहर निकलना होगा, तभी ही जो विज्ञान की ओर है इंसान बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो विटमना हो रही है, जो विचारों की हत्या हो रही है। बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताना। और यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध का काफ़ी खूबसूरत विहार भी है और बाजू में मंदिर भी है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। तो जो भी कुछ है आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ आपसे पूछना है दोस्तों कि ये चीज़ नागपुर में ही सीमित नहीं है, ये नागपुर से टाकरघाट जो है 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से ही अमरावती में भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। दोस्तों कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे बहुत खटकती है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध विहार में ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। बुद्ध विहार आपको खाली देखने को मिलेगा, सजावट करेंगे, सब कुछ करेंगे, खीर पूरी बांटेंगे, पर वहाँ पर आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। बट आप उसी के ही दिन टाकर घाट में अगर आओगे तो टाकर घाट में आपको पैर रखने को जगह नहीं मिलेंगी, और जितने भी कुछ यहाँ पे आपको लोग देखने को मिलेंगे सारे बुद्धिस्ट लोग हैं जो कि यहाँ पे पूजा अर्चना ये करने में लगे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्ध विहार खाली हो जा रहे हैं और यहाँ पे जो कर्मकांड हो रहे हैं इसको वैल्यू दिया जा रहा है, तो ये अजीब है दोस्तों। क्योंकि इससे आगे मैं कुछ कहता नहीं, आपकी जो विचारधारा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय और कड़क जय भीम।